हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। दिस इज अनिरुद्ध मलिक। आई वेलकम यू ऑल ऑन एन एकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो हेलो गाइस, हेलो टू ऑल, ऑल गुड। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लाइमेट। अगर हम बात करें वर्ल्ड के क्लाइमेट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा क्लाइमेट है उसमें हम कवर करने वाले हैं चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट और नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट। गाइस, बेसिकली ये जो क्लाइमेट है इसे बोला जाता है वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द क्लाइमेट। क्या बोला जाता है गाइस? इट इज वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। बट इस क्लाइमेट को ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट किस लैटिट्यूड से, किस 30 से 45 लैटिट्यूड पे, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट पे ये क्लाइमेट कहा जाता है। और इसे एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे चाइना में चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है, यूएसए के उस वाले पार्ट में जो आपका साउथ ईस्ट वाला पार्ट है उसमें गल्फ टाइप कहा जाता है, और जो आपका साउथ अमेरिका है वहां पर नटाल टाइप कहा जाता है, और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा। क्लियर है? सो गाइज, ये सारे क्लाइमेट सारी चीजें हम डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, अगर मैं बात करूं अपने बारे में, दिस इज अनिरुद्ध मलिक, आई डन माय बीटेक फ्रॉम यूपीटीयू एंड आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 इयर्स एंड आई टॉट एंड मेंटर मोर देन 20,000 ऑफ स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन की, तो गाइस लैक्स ऑफ स्टूडेंट को मैं अभी तक टीच कर चुका हूं। बात करें गाइस, दिस इज माय टेलीग्राम लिंक geography_5। यहां पे आपको PDFs, यहां पे आपको नोटिफिकेशन और यहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। गाइज, अगर मैं बात करूं, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत अच्छे से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, डिटेल बाय डिटेल, बहुत अच्छे से एक सीक्वेंस की तरह जो हमारे क्लाइमेट्स हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं बात करूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो गाइज डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलेगा, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी। वहीं अगर मैं बात करूं एजुकेटर्स की, तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके अवेलेबल होंगे, मोर देन 80% जो अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी नॉलेज के लेवल को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें गाइस, आपका जो हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, दैट मींस प्रीलिम से लेके अप टू इंटरव्यू, आपका एक सिंगल सब्जेक्ट भी आपका बसता नहीं है, सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, डिटेल में कवर होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कवर होते हैं, चाहे वो ऑप्शनल हो, सी सेट हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस सब्सक्रिप्शन कोर्स। वहीं पर अगर मैं बात करूं गाइस, अनअकैडमी ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, नया सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप इसमें यूज करते हो गाइस, यहां पर ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, पर्सनल मेंटर मिलेगा, कोच मिलेगा, डेली मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी, उसके बाद प्रॉपर स्टडी प्लानर मिलेगा, ओके, उसके बाद पर्सनलाइज्ड फीडबैक होगी कि आपकी प्रिपरेशन किस वे में जा रही है। उसके बाद अगर गाइस मैं बात करूं फी की, फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 ईयर की फीस है 64,000। आप कैपिटल AM10 कोड यूज करते हो तो यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, आपकी फीस हो जाएगी 57,600। फॉर 2 ईयर आपकी फीस हो जाएगी 99,000। और आप AM10 कोड यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, आपकी फीस हो जाएगी 89,100। और वहीं पर अगर मैं बात करूं प्लस सब्सक्रिप्शन की, गाइस जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में चीजें अवेलेबल है वो सारी आपको प्लस में भी मिलेंगी, बट आपको थोड़ा सा डिफरेंस है, जो आइकॉनिक में आपको 4 स्पेशल एडवांटेजेस थी वो प्लस में अवेलेबल नहीं होंगी। अदरवाइज कोर्स की बात करूं, फैकल्टीज की बात करूं, सब कुछ सेम होगा, कंटेंट सेम होगा, एवरीथिंग विल बी सेम। अगर आप 1 ईयर का लेते हैं 44,000 है, कैपिटल AM10 कोड यूज करते हैं, यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और आपकी फीस हो जाएगी 39,600। फॉर 2 ईयर आपकी फीस हो जाएगी 64,000। आप कैपिटल AM10 कोड यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 57,600। सो गाइज, अगर आप जितना जल्दी हो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, काफी स्टूडेंट ने सब्सक्रिप्शन लिए हैं अभी रिसेंटली टाइम में, विद इन 1 or 2 days के अंदर, और जितना जल्दी हो आप भी ले लीजिए, बिकॉज फीस हाइक होनी है, डेफिनेटली हाइक होनी है, ये प्रॉमिस है। अगर नोटिस आया मैनेजमेंट की तरफ से तो विद इन 1 or 2 days में आपको टाइम दिया गया है, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और AM10 कोड यूज करेंगे
तो एज अ गाइड, एज अ मेंटर मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा रिगार्डिंग बुक लिस्ट, रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, रिगार्डिंग कौन सा कंटेंट हमें कवर करना है, किस टाइप से कवर करना है, उन सब चीजों में मैं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूँ। वहीं पर अगर गाइज हम बात करें AM 10 से, मेरे ही नहीं लेट्स क्रैक UPSC CSE पे जितने कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट है प्लस जितने फैकल्टीज हैं, आप एक कोर्स से सारे फैकल्टीज को एक्सेस कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट और चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट और गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये सारे क्लाइमेट हम आपकी क्लियर करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की, डिस्कस करते हैं वन बाय वन कैसे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, चीजें कैसे कवर हुई, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस, एक सिंपल सा कंसेप्ट समझिए दोबारा, मैंने आपको एक बहुत सिंपल से कंसेप्ट बताए थे कि हमें कुछ भी चीज रटनी नहीं है, हमें कंसेप्ट क्लियर करने हैं। मैंने क्या किया था, ये मेरा इक्वेटर है 0 डिग्री और इसके साउथ में भी इसी तरह, तो आपको याद रखना है यहां से 0 से 10 डिग्री चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो, इन दोनों एरिया में मिलेगा आपको हॉट वेट इक्विटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, हॉट वेट इक्विटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। देन हम बात करते हैं 0 से 30 डिग्री की, 0 से 30 डिग्री को हमने बात की कॉन्टिनेंट की, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्टिनेंट नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्लीट वर्ल्ड, मैं एक कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं। अगर हम कॉन्टिनेंट पे जो वेस्टर्न मार्जिन है, वेस्टर्न पार्ट है ये वाला, अगर हम कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे लाई करते हैं 0 से 30 डिग्री तो वहां पे डेजर्ट मिलेंगे। एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर साउथ अमेरिका में एटागामा डेजर्ट, ये उसके बाद मोआवे डेजर्ट, सनोरन डेजर्ट, कैलिफोर्नियन डेजर्ट, यहाँ पे ये 10 से 30 डिग्री, उसके बाद सहारा डेजर्ट इस वाले, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट और इंडिया में थार डेजर्ट और ये अरेबियन डेजर्ट, सब कहाँ मिल रहे हैं 10 से 30 डिग्री पे वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कोस्ट। और जो ये मिडिल वाला है यहाँ पे मिलेंगे आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट यानी कि सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे 10 से 30 तो यहाँ पे मिलेगा मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्या मिलेगा मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद 30 से 45 डिग्री के बीच में यहाँ पे आपको सबसे इधर मिलेगा वेस्टर्न टाइप ऑफ द कॉन्टिनेंट, इस वाले पार्ट में यहाँ पे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्या मिलेगा मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट 30 से 40 डिग्री मिलेगा स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, और ये पूरे वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल है, नॉट इवन अ सिंगल कंट्री, पूरे वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल है। और वहीं पर अगर हम 30 से 45 डिग्री ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट तो मिलेगा चाइना टाइप, नटाल टाइप और गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट। देखिए अगर आप देखें यहाँ पर ये वाला एरिया यहाँ से आपका 30 से 45 डिग्री के बीच में है, 30 से 45 के बीच में है, और कहाँ पे लाई कर रहा है ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट पे लाई कर रहा है आप अगर नोटिस करेंगे। तो याद रखना कुछ नहीं रटना है हमें, हमें एक सिंपल सा कंसेप्ट बताना है कि सर अगर ईस्टर्न मार्जिन पे कॉन्टिनेंट के 30 से 45 डिग्री पे कोई टाइप का क्लाइमेट बनता है तो वो बनता है वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द क्लाइमेट, और वो अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है, नटाल टाइप, गल्फ टाइप और चाइना टाइप। क्लियर है, अब आके एक एक करके चीजें समझते हैं। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट इन वार्म टेम्परेट लैटिट्यूड, मतलब क्या 30 से 45। देखिए गाइस यहां पर मेरा 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री, तो यहां वाला एरिया है ना ये टेम्परेट तो है बट वार्म टेम्परेट है। वहीं पर अगर मैं इसके ऊपर चला जाऊं 45 से 60 तो ये वाला एरिया होगा कूल्ड टेम्परेट, मतलब कि कोल्ड टेम्परेट, और ये है वार्म टेम्परेट, वहां पर आपको सिर्फ सर्दी दिखेगी, स्नो कवर्ड दिखेगा, तो वो एरिया का टेम्परेचर ज्यादा लो होगा, तो ऊपर वाला एरिया होगा कूल टेम्परेट और नीचे वाला होगा वार्म टेम्परेट। ओके, जस्ट आउटसाइड द ट्रॉपिक्स, मतलब ये मेरा 30 डिग्री ट्रॉपिक्स हो गया, उस ट्रॉपिक्स के आउटसाइड दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में आपका मिलेगा। ठीक है, कंपेरेटिवली हैज मोर रेनफॉल देन मेडिटेरियन क्लाइमेट इन द सेम लैटिट्यूड कमिंग मेनली इन समर्स। अब इस पॉइंट को समझिए, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या पॉइंट कहा,
इन्होंने कहा जो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होते थे उसमें जो रेनफॉल होती थी उसके कंपेयर में यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होगी। क्यों? क्योंकि गाइज यहाँ वाले पार्ट पे ना आपका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होगा ट्रेड विंड का, और ईस्टर्न मार्जिन पे है तो मॉइस्चर लेके आएगी डायरेक्टली ईस्टर्न मार्जिन पे, ईस्टर्न मार्जिन पे डायरेक्ट मॉइस्चर लेके आएगी, तो यहाँ पे ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस के कारण आपकी मेडिटेरियन सी के कंपेयर में सेम लैटिट्यूड है मेडिटेरियन और ये दोनों, बट यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक तो समर में रेनफॉल होगी, पहला पॉइंट, और समर में रेनफॉल होने के साथ साथ यहाँ पे ईस्टर्न टाइप में पड़ रहा है तो इन्फ्लुएंस आ रहा है ट्रेड विंड्स का। किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है? ट्रेड विंड्स का, और उसी ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पे रेनफॉल होती है चाइना टाइप और नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट में। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? यहाँ पे देखिए, ये आपका यहाँ पे ईस्टर्न मार्जिन पे है, ठीक है, ईस्टर्न मार्जिन पे है, यहाँ पे ये भी ईस्टर्न मार्जिन पे है, यहाँ पर चाइना टाइप भी ईस्टर्न मार्जिन पे है, नटाल टाइप कहाँ है? ईस्टर्न मार्जिन पे। वहीं पर जो मेडिटेरियन सी था वहां पे जो रेनफॉल होती थी वो वेस्टर्लीज के कारण होती थी, बट क्योंकि जो ट्रेड विंड्स होती थी वो ड्राई हो जाती थी वेस्टर्न पार्ट पे पहुंचते, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस है ट्रेड विंड्स का इन्फ्लुएंस है, और ईस्टर्न मार्जिन पे होने के कारण यहाँ पे रेनफॉल अच्छी होती है कंपेयर टू अगर हम बात करें किसके, मेडिटेरियन के। और रेनफॉल किस सीजन में होती है? समर सीजन में। किस सीजन में होती है? चाइना टाइप में। समर सीजन में रेनफॉल होती है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में। ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि सर चाइना टाइप में रेनफॉल कब होगी? चाइना टाइप में रेनफॉल होगी समर सीजन में। गेट इट? ओके, ये पॉइंट हो गया यहां पे। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट और नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट, तीनों का एक एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं। मैं आपको अपने अकॉर्डिंग समझाता हूँ, फिर आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हम तीनों को एक एक करेंगे और मैं तीनों में डिफरेंस समझाना चाहता हूँ कि चाइना टाइप, गल्फ टाइप और नटाल टाइप में क्या डिफरेंस होता है। कोई इशू नहीं है, जिसका फर्स्ट लेक्चर है, कोई भी लेक्चर हो आप कंटिन्यू कीजिए, चीजें मैं इस तरह कवर करवाता हूँ कि आपको अंडरस्टैंड होगी, बट आप मेरी एनसीईआरटी सीरीज 6 से लेकर 12 तक वो पहले कवर कर लोगे तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले याद रखना क्लाइमेट को बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कहाँ पे होता है, किस चीज में होता है और किस किस पार्ट में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। सो जो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो किस किस एरिया में होगा? ये आपका बेसिकली यहाँ पे जो रेनफॉल होगी वो समर सीजन में होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना टाइप, रेनफॉल कब होगी? समर में होगी, पहला पॉइंट, ठीक है। और किस किस एरिया में होगी? सर मोस्ट पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है, और नॉर्थ एंड सेंट्रल चाइना एंड जो जापान है उसकी जो सदर्न टिप है वहां पे इस टाइप की रेनफॉल होगी। जो जापान है वहां पे इस टाइप की रेनफॉल होगी, क्लियर है। और याद रखना ये मॉडिफाइड मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मैं डिफरेंस बताऊंगा, मॉडिफाइड मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यानी कि बच्चे इसमें क्या होता है, समर सीजन में तो सी से लैंड की तरफ आती है और विंटर सीजन में लैंड से सी की तरफ जाती है। तो इसका जो समर सीजन होता है, समर सीजन तो आपका क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल होती है, और विंटर सीजन ड्राई होता है। और कैसा होता है क्लाइमेट? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है आपका कब? विंटर में, और हॉट एंड वेट होता है समर सीजन में। और ये मॉडिफाइड मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब बोलोगे सर मानसून टाइप क्यों? क्योंकि एक तो ये ट्रेड विंड्स ऊपर शिफ्ट हो गई, तो जो मानसून टाइप था उसका कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, और इसमें ट्रेड विंड्स एक बार सी से लैंड पे चल रही है समर सीजन में, तब रेनफॉल हो रही है, और जब लैंड से सी पे चलेगी विंटर सीजन में तो ड्राई होगा आपका एरिया। तो ये क्या है, ये आपका मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ चाइना और सेंट्रल चाइना में होता है, सदर्न जापान में होता है, समर में रेनफॉल होती है, हॉट एंड ड्राई होता है विंटर में, और हॉट एंड वेट होता है समर में। मॉडिफाइड टाइप का मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यानी कि मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का मॉडिफाइड वर्जन है आपका चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये पॉइंट आपको समझना है, बताइए समझ में आ गया? समझ में आ गया चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब हम बात करते हैं किसका, गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में।
ये तो फर्स्ट हो गया हमारा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसे हम कहते हैं गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट. इसे अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ. गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये होता है साउथ ईस्ट यूएसए में, ठीक है, ओके, जो वाला एरिया बॉर्डरिंग करता है मेक्सिको को. कहां पे होता है, आ जाइए पीछे, ये वाला एरिया जो गल्फ टाइप है, साउथ ईस्ट यूएसए जो बॉर्डरिंग कर रहा है मेक्सिको को, जो मेक्सिको को बॉर्डरिंग कर रहा है, उस वाले एरिया में इस टाइप का क्लाइमेट होता है, ओके. और इस टाइप के क्लाइमेट को कहते हैं हम गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट. क्या बोलते हैं इस टाइप के क्लाइमेट को, गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है. यहां पे क्या होता है, यहां पे भी मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट डेवलप होता है, बट थोड़ा कम होता है, आपका थोड़ा लो होता है. जैसे यहां पे है ना, यहां पे मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट काफी अच्छा डेवलप हो जाता है, बट यहां पे डेवलप तो होता है पर इतना ज्यादा नहीं होता, लो डेवलपमेंट होता है और रेनफॉल थोड़ा कम होती है चाइना टाइप के कंपेयर में. किसमें, आपका गल्फ टाइप में, जो एक गल्फ टाइप है इसमें. क्लियर है, तो याद रखना चाइना में, मैं कंपेयर बता रहा हूं, मैं दोबारा बताऊंगा एरिया के साथ. चाइना टाइप में समर में रेनफॉल होगी, मॉडिफाइड मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, और आपका नॉर्थ और सेंट्रल चाइना में होगा और सदर्न जापान में होगा. यहाँ पे विंटर में कोई रेनफॉल नहीं होगी, हॉट एंड ड्राई होगा, समर में वेट और आपका वेट हॉट रीजन होगा क्योंकि रेनफॉल होगी. समझ में आ गया, क्लियर है. अब हम बात करते हैं तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट. नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट, आ जाइए अब इसे समझते हैं. चीजें समझ में आ रही है मुझे, एक बार ये बता दीजिए, पहले सबसे पहले बताइए कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं. अब हम बात करते हैं नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में. जो नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, पहले तो याद रखिए. कहां होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में. अब बोलोगे सर सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों हो रहा है, ये जो ये नटाल टाइप का क्लाइमेट है ये आपका इन्फ्लुएंस होता है मैरीटाइम से. यहां पे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस होता है, मतलब क्या होता है मैरीटाइम इन्फ्लुएंस का, ये वाला एरिया आपका सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया कम है, लैंड एरिया कम है, तो यहां पर इसे ओशियन इफेक्ट मिलता है, ठीक है. आपका क्या है, एक्सटेंट मिलता है ओशियन का. तो जो आपका नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहां पे मैरीटाइम इफेक्ट मिलता है इसे. क्या मिलता है, मैरीटाइम इफेक्ट मिलता है आपको, किसको, नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट को, क्योंकि लैंड एरिया कम है, आपका ओशियन का जो इफेक्ट है वो मिलता है मैरीटाइम. इसी वजह से यहाँ का क्लाइमेट माइल्ड क्लाइमेट होता है. क्या होता है, माइल्ड होता है, ना तो समर में बहुत ज्यादा हीटअप होता और ना विंटर में बहुत ज्यादा कोल्ड होता. क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैरीटाइम इफेक्ट है, जो मैंने बताया था इफेक्ट ऑफ ओशियंस, इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी और इफेक्ट ऑफ ओशियन, ये दोनों चीज बताई थी. ड्यू टू यहाँ पे लैंड एरिया कम होने से आपका जो वाटर का इफेक्ट है ओशियन का, मैरीटाइम इफेक्ट, वो यहाँ पर टेम्परेचर में एक अलग टाइप का टेम्परेचर क्रिएट करता है, ठीक है. अब मैं समझाता हूँ आगे. जो नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, ठीक है, और इसे किस टाइप का इफेक्ट पड़ रहा है, मैरीटाइम इफेक्ट. क्या पड़ रहा है, मैरीटाइम इफेक्ट. अब आपको मैरीटाइम इफेक्ट क्यों पड़ रहा है, क्योंकि लैंड एरिया कम है, ओशियन सरफेस ज्यादा है, ठीक है, ओके. और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न साइड पे होगा सदर्न हेमिस्फीयर के. दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है रीजन, पढ़ लीजिए, तीन रीजन में होता है, तीन रीजंस में होता है, वो रीजन पढ़ लीजिए. पहला है न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, जहां पे आपका किस पार्ट में है न्यू साउथ वेल्स, आ जाइए यहां पे न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, ओके, समझ में आ गया. उसके बाद कहां पे, न्यू साउथ वेल्स में होगा, एक होगा आपके अफ्रीका वाले पार्ट में यहां पर, और एक होगा अर्जेंटीना वाले में. ये विंड के बारे में बात करेंगे, पैम्पेरो बर्ग, ये आपका सदर्न सदर्नली बस्टर्स, ये आपकी जो विंड है कोल्ड विंड, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो पहले क्या बात की हमने, पहले बात की न्यू साउथ वेल्स में मिलेगा आपको, ठीक है. और क्या मिलेगा, ये वहां पे मिलेगा जहां पे शुगर बहुत अच्छे होंगे, उस एरिया में शुगर इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी होंगी, जिसमें नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा. और मिलेगा, एक तो शुगर इंडस्ट्रीज मिलेगी कहां पे, ब्राजील वाले पार्ट में, जैसे अगर मैं बात करूं, ओके. उसके बाद जो तीसरा मिलेगा
वो मिलेगा आपका साउथ अमेरिका में, जहां पे पराना रिवर, पेरगू रिवर और उर्गे रिवर, ये तीनों रिवर है ना, यहाँ पे जो इनका बेसिन होगा, इन बेसिन के पास ये वाला टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, और यहाँ पे मेज बेल्ट होगी, मेज की कल्टीवेशन होती है बहुत ज्यादा। क्या होता है, मेज की कल्टीवेशन होती है इस वाले एरिया में। समझ में आया, किसकी कल्टीवेशन होती है, मेज की कल्टीवेशन होती है। समझ में आ गया, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, पहला चाइना टाइप, दूसरा आपका क्या है, आपका चाइना टाइप के बाद जो आपका गल्फ टाइप क्लाइमेट है, और तीसरा है नटाल टाइप। हमने रीजंस के बारे में बात कर ली, हमने चीजों के बारे में बात कर ली, ठीक है, समझ में आ गया। और याद रखना, जो नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं होगा। क्यों मानसून टाइप नहीं होगा, इस वाले टाइप में क्लाइमेट में क्या होता है, इस वाले क्लाइमेट में जो ट्रेडविंड्स होती है ना, वो आपकी क्या होती है, ट्रेडविंड्स ऑफशोर होती है। ट्रेडविंड्स क्या होती है, ऑनशोर ट्रेडविंड्स होती, यहां पर ट्रेडविंड्स मूव तो करती है बट रिवर्स नहीं करती। यहां पे जो ट्रेडविंड्स है वो रिवर्स नहीं करती, मतलब क्या, जैसे हमारा मानसून टाइप में एक बार सी से लैंड आएगी और एक बार लैंड से सी जाएगी, बट आपका नटाल टाइप में ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे रिवर्स नहीं करती। और यहां पे जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि विंटर में आपकी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि मैरीटाइम इफेक्ट है, और समर में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि मैरीटाइम इफेक्ट है। तो एनुअल रेंज जो टेम्परेचर है, समर और विंटर के जो टेम्परेचर में डिफरेंस है, वो बहुत ही कम है, किसमें, आपका नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट में, किसमें, नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट में। समझ में आ गया गाइस, ये आपका पॉइंट है। अब आगे आ जाइए, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, ओके, वेट। कर रहा हूं गाइस, कर रहा हूं, जस्ट गिव मी वन मिनट। ओके, तो हमने क्या बात की, चाइना टाइप के, चाइना टाइप क्या है, टेम्परेट मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। क्या है, टेम्परेट चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ओके, पहला क्या है, आपका सेंट्रल और आपका कहां पे, नॉर्थ चाइना में मिलता है और सदर्न जापान में मिलता है। समझा दिया, मानसूनल टाइप है। ओके, रेनफॉल अच्छी होती है, विंटर आपका ड्राई होता है, हॉट होता है, बट समर में रेनफॉल होती है। वहीं पर गल्फ टाइप के बारे में बात करें, जो साउथ ईस्टर्न यूएसए है, जो बॉर्डर करता है आपका कहां पे, गल्फ ऑफ मेक्सिको पे, वहां पे भी आपका मानसून मिलेगा, पर स्लाइट मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। ओके, उसके बाद नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट अफ्रीका में मिलेगा, नटाल, उसके बाद साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, पराना, पेरगू, उर्गे रिवर, यहां पे आपको मिलेगा, कहां पे, साउथ अमेरिका में। और यहां पे मेज की जो बेल्ट है वो इस एरिया में लाई करती है, मेज क्रॉप की। समझ में आ गया, ये पॉइंट क्लियर है। और ये आपको तीन पार्ट में हमने क्लाइमेट का डिवीजन कर दिया। अब आ जाइए एक एक करके। हमने क्या किया, जो वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, कौन सा, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन टाइप ऑफ क्लाइमेट, वो आपका एक तो वार्म होता है, ठीक है, दूसरा मॉइस्ट होता है। क्यों, क्योंकि गाइस मॉइस्चर होगा ना जब रेनफॉल होगी, ठीक है, कूल होगा, और विंटर क्या होगी, ड्राई होगी। देखिए आपको मैंने क्या बताया, समर सीजन क्या होगा, वार्म होगा, और क्या होगा, वेट होगा, मॉइस्चर होगा, क्योंकि रेनफॉल होगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं विंटर सीजन की, तो विंटर सीजन क्या होगा, ड्राई होगा, ओके, और ड्राई होने के साथ साथ कूल होगा विंटर सीजन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस मिल रहा है, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस मिल रहा है इस वजह से, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। ओकेशनली द पेनिट्रेशन ऑफ कोल्ड एयर फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल मे ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, बट द मोस्ट टाइम प्लीजेंटली वार्म। कभी कभी क्या होता है, कुछ कोल्ड एयर्स होती है,
अभी हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में भी। वो कोल्ड एयर आपके इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट पे, जैसे पेम्पेरो हो गई, बर्ग हो गई, बस्टर्लीज हो गई, ये आपकी कोल्ड एयर है, ये पेनेट्रेट करती है आपके कॉन्टिनेंटल के इंटीरियर में और वहां का जो टेम्परेचर है उसे डाउन कर देती है और फ्रीजिंग पॉइंट पे लेके आ जाती है। बट बेसिकली अगर ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो वार्म और प्लीजेंट होता है, ये पॉइंट याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे रेनफॉल क्या होगी, 175 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होगी। और याद रखना कोई भी ड्राई मंथ नहीं होता। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, नटाल टाइप के बारे में बात कर रहा हूं, याद रखना। अभी हमने क्या बताया था, यहाँ पे मैरीटाइम इफेक्ट होता है और मैरीटाइम इफेक्ट होने से यहाँ पे ऑन शोर ट्रेड विंड चलती है नटाल टाइप में। तो यहाँ पे हर मंथ में, सारे मंथ में क्या होगा, रेनफॉल होगी। बट हमने क्या पढ़ा, ये मानसूनल टाइप नहीं है। क्यों? क्योंकि मानसूनल टाइप पे एक बार ऑनशोर आएगी, एक बार ऑफशोर आएगी, बट इसमें सिर्फ ऑनशोर ट्रेड विंड्स आ रही है। जिस रीजन से क्या हो रहा है, यहाँ का कोई भी मंथ ड्राई मंथ नहीं होगा एक्सेप्ट इंटीरियर ऑफ चाइना। अगर मैं बात करूं इंटीरियर ऑफ चाइना को छोड़ के, इस वाले पार्ट में नटाल टाइप में, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट और यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट पे क्या होगा, आपकी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, सारे मंथ। ऐसा नहीं होगा पूरे मंथ में रेनफॉल हो रही है, पर कोई भी मंथ ऐसा नहीं होगा कि उसमें 2-3-4 डेज रेनफॉल ना हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑनशोर ट्रेड विंड्स आ रही है, ऑनशोर ट्रेड विंड्स आ रही है, बट ऑफशोर तो नहीं जा रही है ना, रिवर्स तो नहीं हो रही है विंड्स। जब विंड का रिवर्सल नहीं होगा तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, मैरीटाइम इफेक्ट के कारण नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट में थ्रू आउट द ईयर एवरी मंथ रेनफॉल होती है नटाल टाइप में। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो रेनफॉल होती है, अब समझना, अब मैं बात कर रहा हूं आपका कहां पर, चाइना टाइप में। अब ये बात हो रही है चाइना टाइप में, जो चाइना टाइप है यहाँ पे जो रेनफॉल है ना, वो आपकी किसके उससे आती है, कन्वेक्शन और ओरोग्राफिक के उससे। कन्वेक्शन मतलब ये मेरा एरिया है, लैंड एरिया, ये हीटअप हुआ, एयर राइज हुई, ऊपर गई, रेनफॉल कर दी, ये हो गई कन्वेक्शनल। और उसके बाद क्या हुआ, माउंटेन से टकराई, तब आपकी राइज हुई, तब रेनफॉल कर दी। तो समर में तो होती है कन्वेक्शनल और ओरोग्राफिक, और जो विंटर में रेनफॉल होती है वो डिप्रेशन के कारण होती है। किसके कारण होती है, डिप्रेशन के कारण होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, विंटर में किस कारण रेनफॉल हो रही है, ड्यू टू डिप्रेशन, डिप्रेशन के कारण विंटर में आपकी रेनफॉल हो रही है, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट है बेसिकली वो एशिया के इंटीरियर में है, ठीक है, और पैसिफिक ओशियन, वहां पर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जो कि समर और विंटर में चेंज हो रहा है, जो कि समर और विंटर में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, समर में कुछ और है, विंटर में कुछ और है। जब टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस होगा तो विंड का मूवमेंट होगा, एक बार सी से लैंड और लैंड से सी, और इसी पे क्या बनेगा, टेम्परेट मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या बनेगा, टेम्परेट मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट आपका बन जाएगा। अगर आप देखेंगे ना तो ये पैटागोनियन से हल्का सा ऊपर अलग है, जो पैटागोनियन है अगर आप शो करोगे तो पैटागोनियन हल्का सा नीचे की तरफ है इधर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस टाइप को, जो पैटागोनियन है वो थोड़ा सा इधर साइड में मिलेगा और नटाल टाइप आपका ऊपर वाले पार्ट में मिल रहा है। पैटागोनियन डेजर्ट नीचे वाले पार्ट में फॉर्म हो रहा है और नटाल टाइप आपका क्लाइमेट ऊपर वाले पार्ट में फॉर्म हो रहा है, नीचे वाले में नहीं हो रहा है। उसके रेंज में आपकी कोई भी विंड नहीं फ्लो कर रही है, जो आपका पैटागोनियन डेजर्ट जिस वाले एरिया में बना है, और पैटागोनियन डेजर्ट एंडीज माउंटेन है, उसकी रेंज शेडो में आके फॉर्म ही आपका ड्राई हो चुका है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे चाइना टाइप की, ठीक है, अब हम बात करते हैं समर में क्या होता है। आइए, चाइना टाइप में समर में क्या होता है, समर सीजन चाइना टाइप का क्या होता है, आपका हीटअप हो जाता है, इंटेंस हीटअप हो जाता है, जो हमारा इंटीरियर पार्ट है चाइना का। जब हीटअप होगा तो लो प्रेशर होगा और जो आपका रेन है वो आपकी साउथ ईस्ट मानसून से
होती हुई उस लो प्रेशर एरिया की तरफ आएगी और रेनफॉल कर देगी, जो कि मानसूनल टाइप ऑफ रेनफॉल है, ठीक है। इसी वजह से चाइना में हैवी प्रेसिपिटेशन होगी अप्रोक्स 100 सेंटीमीटर की, और जैसे जैसे आपका समर सीजन आपका डिक्रीज होगा और लैंडवर्ड डिक्रीज होगा तो आपकी रेनफॉल कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब वहीं पर मैं बात कर रहा हूं विंटर्स में क्या होता है, विंटर में यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है क्योंकि कोल्ड इंटीरियर हो जाता है, जिसके वजह से आपकी अब विंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी और आपका कोई भी रेनफॉल नहीं होगी, कूल ड्राई सीजन होगा विंटर का, ठीक है। क्या हो रहा है अब विंटर में, क्या हो रहा है, आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, तो इसके उससे क्या होगा, कोल्ड वेरी ड्राई रीजन होगा, रेनफॉल होगी नहीं या थोड़ी बहुत होगी वो भी डिप्रेशन के कारण होगी अगर जो रेनफॉल होगी तो, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर आपके साइक्लोन्स आ जाते हैं, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको साइक्लोन्स मिलेंगे। अगर मैं बात करूं किस टाइप के साइक्लोन्स मिलेंगे बताइए, यहां पर आपको मिल जाएंगे टाइफून मिलेगा, टाइफून मिलता है यहां पर, ठीक है, साउथ चाइना सी वाले पार्ट में बॉर्डरिंग वाले एरिया में यहां पे टाइफून आपको मिलेगा चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में, क्या मिलेगा, टाइफून मिलेगा इस वाले पार्ट में, ओके। चाइना टाइप कहां हो रहा है, सेंट्रल, याद रखना चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट कहां कहां हो रहा है, नॉर्थ कहां हो रहा है, नॉर्थ और सेंट्रल चाइना में, और साउथ जापान में हो रहा है टेम्परेट मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो कि है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद आता है गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो साउथ ईस्ट यूएसए में बॉर्डरिंग मैक्सिको वाले पार्ट में है, और यहाँ का जो मानसून है वो स्लाइट मानसून है कंपेयर टू टेम्परेट मानसून टाइप के, यहाँ का जो मानसून है वो आपका थोड़ा सा क्या है, स्लाइटली मानसून है, पर स्लाइटली मानसून है, इतनी ज्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होगी जितनी मानसूनल टाइप में होती है, क्लियर है ये वाला पॉइंट। तो अब बात करते हैं गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट की, जो गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये गल्फ अटलांटिक रीजन में मिलता है यूएसए वाले पार्ट के एक्सपेयर में, ठीक है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सिमिलर होता है सेंट्रल चाइना के, बट क्या है यहाँ की जो करेक्टरिस्टिक है वो आपकी मानसून वाली थोड़ी लेस डेवलप हुई है, जैसे मानसून में आपकी बहुत अच्छे से डेवलप हो गई है, यहाँ पे इतनी बेटर वे में डेवलप नहीं हो पाई है, कहाँ पर, जो आपका यूएस में गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स कंप्लीट रिवर्सल नहीं हो रहा है विंड का, समझ रहे हो इस वाले पॉइंट को। यहाँ पर जो प्रेशर ग्रेडियंट है, देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो अमेरिका का मेनलैंड है और यहाँ पर जो अटलांटिक ओशियन है, इनके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होना था ना, वो एग्जैक्ट और बिल्कुल अच्छे से नहीं हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट रिवर्स नहीं हो रही है मानसून विंड, स्लाइटली मानसून टाइप का क्लाइमेट है, कंप्लीट मानसून टाइप का क्लाइमेट नहीं है गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट में। अब समझे ये वाला पॉइंट आप, ठीक है, ये पॉइंट समझे। तो क्या होगा, यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होगी वो 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होगी, पहला पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो आपका डिफरेंस ज्यादा नहीं है, यहाँ पे क्या है, देखिए अगर यहाँ पे मैं बात करूं समर का, ठीक है, और विंटर का, तो जो एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस है ना एनुअल रेंज का वो ज्यादा नहीं है, पहला पॉइंट। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो अच्छी खासी एवरेज रेनफॉल हाई होती है, यहाँ पे कोई भी ड्राई पीरियड नहीं होता, डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो आपको साइक्लोन्स मिलेंगे वो मिलेंगे कौन, हुरिकेन, जो आपके साउथ वेस्ट यूएसए वाला पार्ट है वहां पे हुरिकेन मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, टॉर्नेडो मिलेंगे, टॉर्नेडो। और टॉर्नेडो क्यों बनते हैं, जब आपका लैंड एरिया पे इंटेंस हीटिंग हो जाती है तो टॉर्नेडो का फॉर्मेशन होता है, जब साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे तब और अच्छे से इन चीजों को कवर करेंगे। तो हुरिकेन कब आते हैं, हुरिकेन आते हैं सितंबर से अक्टूबर के सीजन में, ये पॉइंट और याद रखना, हुरिकेन टॉर्नेडो ये आपके कहां पे मिलेंगे, गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको मिल जाएंगे, कहां पे, गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको मिल जाएंगे हुरिकेन और टॉर्नेडो, ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा क्या पढ़ा हमने, यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड नहीं होता, मतलब यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेंडेंसी होती है टूवर्ड्स द
समर सीजन में, और वहां पर ऑनशोर ट्रेड विंड्स चलती है जो कि आपकी लैंडवर्ड चलती है अटलांटिक ओशियन से। जब अटलांटिक ओशियन से लैंडवर्ड चलेगी तो मॉइस्चर लेके आएगी और रेनफॉल कर देगी गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो कि इस वाले पार्ट में है। समझ में आ गया, ठीक है, ये क्लियर है। सो द अमाउंट ऑफ रेन इज इंक्रीज्ड बाय फ्रीक्वेंट थंडरस्टॉर्म इन समर। समर सीजन में थंडरस्टॉर्म आते हैं, हुरिकेन आता है सितंबर अक्टूबर में, और वहीं पर आपका शोइंग मैक्सिमम विंटर, ठीक है, आपका कुछ एरिया में जहां पर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत स्मॉल है। आपको बताया विंटर और समर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इतना हाई नहीं है, और यहाँ पर टॉर्नेडोज भी आते हैं। कब आते हैं? जब लैंड की इंटेंस हीटिंग हो जाती है तो टॉर्नेडोज भी इस एरिया में आपके लाई करते हैं। अब बात करते हैं नेटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। नेटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट, मुझे बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का बताइए फटाफट, कोई डाउट हो। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट की। जो नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो क्यों हुआ? क्योंकि आपका सदर्न हेमिस्फीयर में बन रहा है और सदर्न हेमिस्फीयर में नैरोनेस है। जो कॉन्टिनेंट है वो नैरो है, लैंड एरिया कम है और ओशनिक का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो वहां पे क्या है, डोमिनेंस है मैरीटाइम इफेक्ट का, डोमिनेंस है मैरीटाइम इफेक्ट का, जिसके उससे क्या होता है, जो मानसूनल एलिमेंट है वो एलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं बन रहा है, मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बन रहा था ना, यहाँ पे इस टाइप का क्लाइमेट नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती है, वो क्या करती है, वो यहाँ पर रेनफॉल लेके आती है थ्रू आउट द ईयर, ये पॉइंट याद रखना। और यहाँ पे ट्रेड विंड्स रिवर्स तो हो नहीं रही है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही है जो कि आपकी रेनफॉल करती है थ्रू आउट द ईयर, और रेनफॉल होती है 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में। टेम्परेचर ऑफ ओशियंस का तो रोल ही है आपका, जब आपका टेम्परेचर ऑफ ओशियंस का रोल होगा तभी तो मूवमेंट होगा। अगर आपकी जो ओशियन में टेम्परेचर होगा, इसका मूवमेंट होगा एयर का, तभी तो रेनफॉल होगी। और वो कब होगी, जब ओशियन और लैंड के टेम्परेचर में डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। उसके बाद याद रखना पैसेज ऑफ डिप्रेशन अलोंग द सदर्न एज ऑफ वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, कब, ऑटमन और विंटर सीजन में मैक्सिमम होता है, फ्रॉम मार्च टू जुलाई वाले सीजन में डिप्रेशन क्रिएट होता है, उससे भी रेनफॉल आ जाती है। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ एरिडिटी ऑफ डेजर्ट, देखिए क्या होता है। यहां पे क्या होता है, डेजर्ट का फॉर्मेशन क्यों होता है इधर वाले पार्ट पे, एक तो क्या होता है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक है, विदाउट एनी कोल्ड मंथ, कोल्ड मंथ नहीं होता क्योंकि मैरीटाइम इफेक्ट होता है, ठीक है, कहां, सदर्न एक्टिव। उसके बाद यहां पर कुछ वॉयलेंट लोकल स्टॉर्म्स आते हैं, जिसमें से मैं बात करूं कुछ विंड के बारे में, लोकल स्टॉर्म्स आते हैं उन्हें पढ़ लीजिए कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं कौन सी विंड कौन सी है, कौन सी किस तरह की है, आ जाइए जल्दी से फटाफट आ जाइए। यहां पे आ जाइए, जो है पैम्पेरो है, पैम्पेरो कोल्ड विंड है, याद रखना पैम्पेरो कोल्ड विंड है, याद रखना ये पैम्पेरो क्या है, ये आपकी कोल्ड विंड है। उसके बाद जो ये बर्ग है, ये आपकी हॉट एंड ड्राई विंड है, क्यों, क्योंकि ये आपकी लैंड से जा रही है तो हॉट होगी और ड्राई होगी। और जो नटाल के पास यहाँ पर ये सदर्ली ब्रस्टर्स है, सदर्ली ब्रस्टर्स, ये आपकी कोल्ड विंड होगी, ये भी याद रखना, ये वाली कोल्ड विंड है, ये हॉट विंड है, और ये आपकी कोल्ड विंड है जो पैम्पेरो है। पैम्पेरो आपका उर्गे पैरोग्वे जिस वाले पार्ट में आपको मिलेगी, उसी के बाद जो बर्ग है ये आपको सदर्न टिप ऑफ साउथ अफ्रीका मिलेगी, और जो आपको सदर्नली ब्रस्टर्स है वो आपका साउथ ईस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया है
वहां पर ये विंड मिलेंगी। तो ये तीनों विंड का नाम याद रखना, ये बर्ग है, ये हॉट विंड है, अदरवाइज पैम्पेरो, और आपकी जो सडनली ब्रस्ट है ये आपकी कोल्ड विंड है। इस पॉइंट को याद रखना है आपको, ठीक है। पैम्पेरो, बर्ग और ये आपकी सडनली ब्रस्टर्स, ये तीन विंड है याद रखना, ये तीन विंड है याद रखना। बर्ग क्या है? बर्ग एक आपकी हॉट एंड ड्राई विंड है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है यहां पर, ये आपको दिखेगी पैम्पेरो, बर्ग हो गई, पैम्पेरो हो गई, और कौन सी हो गई, और उसके बाद सडनली ब्रस्टर होगी जो कि कोल्ड विंड है, समझ में आ गया, जो कि कोल्ड विंड है ऑस्ट्रेलिया वाले में। पैम्पेरो भी कोल्ड विंड है अर्जेंटीना उरुग्वे वाले पार्ट पे, और बर्ग क्या है, एक आपकी हॉट विंड है, समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक, बताइए किसी को भी, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, किसी भी तरीके का कहीं पे भी बताइए। बताइए क्लियर है। अब आ जाते हैं आगे, हम किसके बाद नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो बात की थी हमने अभी तक क्लाइमेट के बारे में, अब हम इस एरिया की नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में? नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। आज ये नेचुरल वेजिटेशन क्या क्या है, देखिए, जो ईस्टर्न मार्जिन है ना वार्म टेम्परेट का, समझना, ईस्टर्न मार्जिन है वार्म टेम्परेट का, यानी कि चाइना टाइप का, ठीक है। तो यहां पर रेनफॉल काफी हैवी होती है, ठीक है, कंपेयर टू वेस्टर्न मार्जिन, क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में है, ठीक है, याद रखना, जो वेस्टर्न मार्जिन है और कॉन्टिनेंट का इंटीरियर है उसके कंपेयर में ईस्टर्न मार्जिन पे रेनफॉल आपकी ज्यादा होती है वेस्टर्न और कॉन्टिनेंटल के, इस वजह से यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि रेनफॉल काफी अच्छी मिल रही है, रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, ओके। और याद रखना कि आपको दो चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, जो आपकी नेचुरल वेजिटेशन है ये दो जगह होगी, एक तो लोलैंड पे होगी और एक हाईलैंड पे होगी। जो लोलैंड का एरिया है यहाँ पर आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट मिलेंगे और डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। जो लोलैंड वाला एरिया है वहां पे एवरग्रीन मिलेंगे, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट मिलेंगे और डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है, किसकी तरह, जैसे आपके ट्रॉपिकल मानसून में मिलते हैं, एवरग्रीन मिलते हैं, ब्रॉड लीफ मिलते हैं, डेसिडियस भी मिलते हैं, सेमी डेसिडियस भी, और सिमिलर किसके, आपके मानसून की तरह, ठीक है। वहीं पर जो हाईलैंड है, हाईलैंड पे आपको साइप्रस मिलेगा, ठीक है, पाइंस मिलेंगे, और यहाँ पर कॉनीफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे जो आपके माउंटेन एरिया पे मिलते हैं, हाईलैंड पे मिलते हैं, कॉनीफेरस मिलेंगे जिसमें पाइंस है, साइप्रस है, ये इंपॉर्टेंट सॉफ्टवुड है। याद बताइए कि हार्डवुड और सॉफ्टवुड कहाँ कहाँ मिलती है, ये पॉइंट बताइए फटाफट, कहां पे हार्डवुड मिलती है, कहां पे सॉफ्टवुड मिलती है, जल्दी से बताइए, हार्डवुड और सॉफ्टवुड किन किन एरिया में मिलती है, जो हमारी हार्डवुड है और सॉफ्टवुड है ये किस किस टाइप की वेजिटेशन में मिलती है, बताइए। जल्दी बताइए, जो हार्डवुड है गाइस, हमने डिस्कस किया था पीछे कि हमारी हार्डवुड्स मिलती है एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है, और जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, माउंटेन एरिया पे जाएंगे, वहां पे सॉफ्टवुड मिलेंगी हमें, क्या मिलेंगी, सॉफ्टवुड मिलेंगी, ठीक है, हार्डवुड इक्विटोरियल पे मिलेंगी और आपकी सॉफ्टवुड मिलेंगी माउंटेन पे, आपकी सॉफ्टवुड टाइप की मिलेंगी, ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे याद रखना कि इस टाइप की जो एरिया है वहां पर कौन कौन सी वेजिटेशन होती है, आपको बताना है, सर यहाँ पर ग्रास अच्छी होंगी, फर्न्स अच्छे होंगे, लियानाज होंगे, बैम्बूज होंगे, पाम्स होंगे और अच्छे से फॉरेस्ट होंगे, क्यों, क्योंकि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। सो वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन आर द होम ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूएबल ट्रीज
और इकोनॉमिकल वायलेबल स्पीसीज, मतलब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ट्री की स्पीसीज मिलेंगी, टिम्बर्स मिलेंगे, क्यों? क्योंकि रेनफॉल अच्छी होती है आपकी कहाँ पर? ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट पे, टेम्परेट वाले पार्ट पे, टेम्परेट वाले पार्ट पे। अब याद रखना जो मैं चीजें बता रहा हूँ, यहाँ पे यूकेलिप्टिस है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है यूकेलिप्टिस का, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। वहां पर पराना पाइन और एक ये वाला, इसका नाम है क्यूब्रैको। क्यूब्रैको, जो ये क्यूब्रैको ट्री है, इसे हम एक्स ब्रेकर बोलते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन आ जाएगा, क्यूब्रैको टी कहाँ मिलता है, तो आपको बताना है क्यूब्रैको टी हमारा ट्री है जो, उसे एक्स ब्रेकर बोलते हैं, क्योंकि ये इतना हार्ड होता है कि जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो हमारी जो एक्स होती है वो टूट जाती है, पर ये ट्री नहीं टूटता। कहाँ पे मिलते हैं? पराना पाइन क्यूब्रैको, साउथ ईस्ट ब्राजील, ईस्टर्न पेरेग्यू, नॉर्दर्न अर्जेंटीना, इन वाले पार्ट पर ये मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट ट्रम याद रखनी है आपको, आ जाइए, एक और इंपॉर्टेंट ट्री है, इसे याद रखिए जल्दी से फटाफट, जस्ट गिव मी वन मिनट। यहां पे याद रखिए, ये देख रहे हो लीव्स ऑफ यारबा माटे ट्री, तो ये यारबा माटे ट्री है, आपको क्या याद रखना है, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा यारबा माटे ट्री से क्या होता है। तो जैसे हमारे इंडिया में टी होती है ना, तो पेरुग्यू में जो टी निकलती है वो इसी ट्री से निकलती है, यारबा माटे ट्री से। यारबा माटे ट्री से पेरुग्यू में आपकी ट्री का प्रोडक्शन होता है, कहा यारबा माटे ट्री पेरुग्यू में आपका टी का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद जो नटाल टाइप के आईलैंड है वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, चेस्टनट मिल जाएंगे, आयरन वुड्स मिल जाएंगे, ब्लैक वुड्स मिल जाएंगे, इन एरिया में ये मिल जाएंगे। वहीं पर जो कोस्टल एरिया है वहां पर पाम ट्रीज मिल जाएंगे आपको नटाल टाइप में। उसके बाद जो चाइना नॉर्थ और सेंट्रल चाइना है और सदर्न जापान है वहां पर ओक, कैंपूर, कैमिलिया, मंगोलिया, इस टाइप के आपको ट्रीज मिल जाएंगे उस एरिया में। अब बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, किसके बारे में गाइज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन। फ्लोरा फोना तो इक्विटोरियल में ज्यादा है, पर यहाँ पर टिम्बर की वैरायटी बहुत अच्छी है, टिम्बर की वैरायटी काफी अच्छी यहाँ पर मिल जाती है आपको, किसमें, जो आपका ईस्टर्न मार्जिन चाइना टाइप का क्लाइमेट है यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन आर द मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड ऑफ द पार्ट ऑफ मिडिल लैटिट्यूड। अगर हम बात करें मिडिल लैटिट्यूड पे 30 से 45 एरिया, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर या आपके ट्रीज वो इसी एरिया में मिलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल काफी अच्छी होती है, यहाँ पर लंबे टाइम के लिए ड्रॉट नहीं आता, ऐसा नहीं आता कि एक सीजन में रेनफॉल है एक में ड्रॉट है, यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर थोड़ी थोड़ी रेनफॉल होती है, ठीक है। कोल्ड सीजन इसका इतना कोल्ड भी नहीं होता, ठीक है, कि उन एरियाज में जो फ्रॉस्ट बन जाए वहां पर फ्रॉस्ट हो जाए, फ्रॉस्ट होने से सारी वेजिटेशन खराब हो जाएंगी। तो कोल्ड सीजन इसका कोल्ड होता है, पर इतना भी नहीं होता कि वहां पर जो आपकी क्रॉप्स है वो सर्वाइव ही ना कर पाए, वहां पे क्रॉप सर्वाइव कर पाती है। और जो समर सीजन होता है वहां पर रेनफॉल अच्छी होती है बहुत, और फार्मिंग ईयर होता है समर सीजन आपका ईयर में, ये पॉइंट और याद रखना। अब बात कर लेते हैं कहाँ पे क्या क्या होता है। चाइना आपका राइस का, टी का, मलबेरीज का और फॉर फीडिंग सिल्कवॉर्म सीरीकल्चर करता है। और याद रखना वर्ल्ड का 1/3 जो आपका राइस होता है उसे चाइना प्रोड्यूस करता है, वर्ल्ड का 1/3 राइस को चाइना प्रोड्यूस करता है, और ये मैक्सिमम एक्सपोर्ट नहीं करता, इनकी खुद की कंजप्शन इतनी ज्यादा आई है ये सेल्फ कंजप्शन कर लेते हैं। और जो नॉर्थ अमेरिका में गल्फ वाला है वहां पे कॉर्न मिल जाएंगे, कॉटन मिल जाएगा, टबैको मिल जाएगा, इस तरह की आपकी एग्रीकल्चर वहां पे ग्रो होती है जो आपका यूएसए वाला पार्ट है। ठीक है, समझ में आया यहां तक ये वाला पार्ट। तो चाइना 1/3 करता है बट एक्सपोर्ट नहीं करता, याद रखना। उसके बाद साउथ अमेरिका में जो नटाल टाइप है वहां पर शुगर केन होगा, कॉटन होगा, टबैको होगा, ये आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगी। वहीं पर साउथ अमेरिका में कॉफी मिलेगी, मेज मिलेगा, पाइंस, पेरुग्यू ट्री। उसके बाद पेरुग्यू टी पता है कौन सा है,
बताइए, अभी मैं पीछे नाम बता के आया हूँ, कौन सी ट्री के स्पीसीज से बनती है पेरुगु ट्री, बताइए। व्हाइट, कैटल, शिप, ये आप व्हीट मिलेगा आपको यहाँ पे, कैटल और शिप भी आपको यहाँ पर रियरिंग करती हुई मिल जाएंगी। और मैंने बताया था साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की जो कैटल, जो आपकी डेयरी फार्मिंग है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है और बहुत हाई लेवल पे एक्सपोर्ट किया जाता है बीफ को, मीट को, बटर को। क्यों आपका ऐसा, क्या रीजन हुए साउथ अमेरिका और जो सदर्न हेमिस्फेयर पे जो कॉन्टिनेंट्स है और वहां की कंट्रीज है, उनकी डेयरी फार्मिंग क्यों इंप्रूव हो गई, बताइए फटाफट। ऐसा क्या फैक्टर्स आए कि उनकी डेयरी फार्मिंग इंप्रूव हो गई? कमोन जल्दी बताइए, ऐसा क्या फैक्टर्स आए, क्या रोल प्ले किए कि यहां पर ये ग्रो कर गई? कमोन फास्ट जल्दी बताइए। यहां पे क्या हुई कि एक तो मेज प्रोडक्शन नहीं, जो साउथ अमेरिका था, आपको मैं बात करूं, आपको मैंने कल प्रीवियस क्लास, आप भूल जाते हो क्या, भूल जाते हो क्या, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको जब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में बताया था और टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो ग्रासलैंड्स है ना सदर्न हेमिस्फीयर पे, इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, इन्होंने न्यूट्रिशियस ग्रासेस को ग्रो करना स्टार्ट किया है। एग्जाम्पल अल्फा अल्फा, जो न्यूट्रिशियस ग्रासेस है वो क्या कर रही है, डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है कैटल्स का, शिप का। एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल रियरिंग है वो इंप्रूव हो रही है। जब एनिमल रियरिंग इंप्रूव होगी तो क्या होगा गाइस, एनिमल रियरिंग इंप्रूव होने से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई होगी, मिल्क ज्यादा देंगी, बटर ज्यादा देंगी, बीफ का एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, तो उनकी जो डेयरी फार्मिंग है वो आपकी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है सदर्न जो हेमिस्फेयर पे कंट्रीज थी कंपेयर टू नदर हेमिस्फेयर। समझ में आ गया? उसके बाद जो साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, साउथ वेल्स और विक्टोरिया वाले पार्ट में डेयरी फार्मिंग बहुत अच्छी है, मिल्क, बटर, चीज, देखिए आ गया, डेयरी फार्मिंग बेटर है यहाँ पे। उसके बाद कॉटन, केन, शुगर और मेज की प्रोडक्शन काफी ज्यादा करते हैं, ठीक है। अब यही तो लिखा है, डिस्पाइट बीइंग वर्ल्ड ग्रेटेस्ट राइस ग्रोइंग एरिया, 1/3 ऑफ कंप्लीट वर्ल्ड, चाइना डू नॉट एक्सपोर्ट, इवन इंपोर्ट करता है फूड ग्रोइंग्स को। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की कंजप्शन बहुत है, वो राइस और टी को आपके सब्सिस्टेंस पर्पस के लिए ही यूज करता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने से क्या होता है कि वहां पर आपकी खुद की कंजप्शन पूरी नहीं हो पाती टी की और राइस की, इसी वजह से वो इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी चीजों को नहीं करता, ये पॉइंट याद रखना। अब बात करते हैं कॉर्न की, कि कॉर्न किस किस एरिया में होता है। अपार्ट फ्रॉम ईज ऑफ कल्टीवेशन विद रिस्पेक्ट टू सॉइल, क्लाइमेट, लेबर रिक्वायरमेंट, मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज प्रोलिफिक ईल्ड, मतलब जो इसकी ईल्ड है ना वो बहुत अच्छी होती है कॉर्न की, ठीक है। याद रखना कि आपका, देखिए यहाँ पर एक तो कल्टीवेशन के लिए ईज हो जाता है ये, ठीक है, सॉइल और क्लाइमेट और लेबर की रिक्वायरमेंट पे इतना इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। याद रखना क्या होता है, जो इसकी ईल्ड है ना वो बहुत हाई है, मतलब क्या होता है, कैसे हाई है, आपका ये एरिया है 1 एकड़ का लैंड है और 1 एकड़ का यहाँ पे लैंड है, इस 1 एकड़ के लैंड पे अगर 10 kg वीट हुआ ना, तो इसी 1 एकड़ के लैंड पे जो कॉर्न होगा ना वो 20 kg होगा, तो इसकी जो प्रोडक्शन है ना, जो ईल्ड है वो आउटस्टैंडिंग है, क्लाइमेट कैसा भी हो, सॉइल, लेबर को देखते हुए जो कॉर्न की ईल्ड है पर हेक्टेयर, पर एकड़, वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू वीट, राइस और अदर क्रॉप्स के। अदर क्रॉप्स के जो कॉर्न की ईल्ड है वो काफी हाई है कंपेयर टू और अदर किसी भी उसको देखते हुए अगर हम बात करें, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया।
उसके बाद अगर हम बात करें, इट गिव्स ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मच एज फूड पर एकड़ एज वीट एंड अदर सीरियल्स, जो अदर आपके वीट राइस मेज टबैको और चीजें हैं उनके कंपेयर में इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। वर्ल्ड की 50% वर्ल्ड में 50% अकेला जो आपकी कॉर्न है वो आपका यूएसए प्रोड्यूस करता है, और एक्सपोर्ट कितना करता है, सिर्फ 3%। यानी कि सेल्फ कंजप्शन बहुत ज्यादा है। किस चीज में कंज्यूम करते हैं ये बताइए, कॉर्न को किस चीज के लिए कंज्यूम करते हैं, कम ऑन फास्ट जल्दी से बताइए किस चीज में इनका कॉर्न का कंजप्शन होता है। 50% तो इन्होंने प्रोडक्शन कर दी, पर एक्सपोर्ट कितनी की, सिर्फ 3%। ओके, सो मोस्ट ऑफ द कॉर्न इन यूएसए इज यूज्ड इन फैटनिंग एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स के लिए चारा होता है, फॉडर होता है, उसके लिए आपका क्या कॉर्न यूज करते हैं, इसी वजह से आपको कॉर्न यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये मॉनिटरी ग्रेन होता है जो कि एनिमल्स को दिया जाता है, याद रखना, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉटन के बारे में। पहला पॉइंट क्या बताया हमने, कॉर्न के बारे में। सबसे ज्यादा कॉर्न प्रोड्यूस करता है सर यूएसए करता है 50%, बट एक्सपोर्ट कितना करता है सर 3%। डेयरी फार्मिंग अच्छी डेवलप है, इसी वजह से मैक्सिमम वो फॉडर के लिए यूज कर लेता है अपने कॉटन को, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कि सर जो कॉर्न की प्रोडक्टिविटी है, पर यील्ड है, वो बहुत हाई है कंपेयर टू अदर क्रॉप्स। अब बात करते हैं कॉटन की। कॉटन कहाँ पे होता है, ये आपका मिलेगा डीप साउथ फाइबर है जो कि वाइटल होता है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। किस किस एरिया में मिलेगा, ये आपको गल्फ टाइप के क्लाइमेट में यूएसए वाले पार्ट में कॉटन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे बेस्ट होता है कॉटन जो यूएसए और मैक्सिको वाला पार्ट है, यहाँ पर कॉटन की ग्रोथ काफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे किस तरह, कॉटन लाइक्स एम्पल रेन, रेनफॉल चाहिए होती है, और आपका गल्फ वाले पार्ट में अच्छी खासी रेनफॉल होती है, और पीछे बता के आया हूँ थ्रू आउट द ईयर होती है, मंथ में, हर एक मंथ में। सो एनुअल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, अराउंड 40 इंच इज एसेंशियल, और इसमें इतनी रेनफॉल तो आपकी हो जाती है, और रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है कॉटन को, और एम्पल इतनी रेनफॉल वहां पर सफिशियंट अमाउंट में अवेलेबल होती है गल्फ टाइप में, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आपकी रेनफॉल होती है, ठीक है। जिसके उससे क्या होता है, इसे एडिक्वेट मॉइस्चर सप्लाई मिलती रहती है, ओके। यहाँ पर फ्रिक्वेंट लाइटनिंग शावर्स होते रहते हैं, मतलब रेनफॉल थोड़ी बहुत होती रहती है, अगर थ्रू आउट द मंथ ना हो तो पैचेस में होती रहती है, मंथ में सनशाइन काफी अच्छी निकलती है, और इसकी जो यील्ड है वो हाईएस्ट हो जाती है इस टाइम में, किसकी, कॉटन की। समझ में आया, कॉटन की यील्ड हाईएस्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कॉटन के बारे में, जो कॉटन है वो कमर्शियल कल्टीवेशन की जाती है। आपको पता होगा यूएसए में वीट हो गया, मेज हो गया, ये क्या होता है, कमर्शियल कल्टीवेट करते हैं बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट के लिए या सेल के लिए, ठीक है। मोस्ट फेवरेबल एरिया कौन सा है, मिसिसिपी रिवर, याद होगा मिसूरी एंड मिसिसिपी रिवर जो फ्लडेड एरिया है। गाइस जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए बस। Now fine, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, नाउ फाइन। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो मिसूरी और मिसिसिपी रिवर डेल्टा है, आपको पता होगा यूएसए में मिसूरी और मिसिसिपी रिवर वाला जो फ्लडेड एरिया है, अटलांटिक कोस्टलैंड वाला, कैलिफोर्निया वाला, प्रेरीज, टेक्सास, यहाँ पर क्या होता है, आपकी कॉटन की कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है। मिसूरी मिसिसिपी और रिवर है इसमें, जॉर्जिया, साउथ कैलिफोर्निया वाले पार्ट में, टेक्सास में, और आपका प्रेरीज वाला जो पार्ट है, यहाँ पर कॉटन की कल्टीवेशन काफी अच्छी होती है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद अगर हम बात करें जो कॉटन है वो बेसिकली कहाँ पे आती है, सबसे अच्छी क्वालिटी की, जहाँ पे इसे मैरीटाइम इफेक्ट मिलता है,
जहां पे सी ब्रीज चलती है सी से लेके लैंड पे, और वो इसे एक तो वार्मिंग इफेक्ट देती है और यहाँ पर मॉइस्चर अवेलेबल करवाती है, रेनफॉल अवेलेबल करवाती है, जिसके उससे उस एरिया में बेस्ट सूटेड ग्रो होती है आपकी कॉटन। उस एरिया में बेस्ट सूटेड कॉटन आपकी ग्रो होती है, किसमें? मिसूसुरी और मिसिसिपी रिवर डेल्टा, और आपका जो मैरीटाइम इफेक्ट है कोस्टल एरियाज, वहां पर इसका जो प्रोडक्शन है वो आपका अपने आप हाई हो जाता है। ठीक है, ओके, ये पॉइंट याद रखना। तो एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और याद रखना, द सी आइलैंड कॉटन, जो सी आइलैंड की कॉटन है वो ग्रोन होती है एक तो कोस्ट ऑफ जॉर्जिया, ठीक है, कोस्ट ऑफ जॉर्जिया के साथ साथ कहां होती है? साउथ कैलिफोर्निया में, ठीक है, ओके। और यहां पर वर्ल्ड की बेस्ट कॉटन होती है कहां पर? एक तो होती है जॉर्जिया में, ठीक है, जो आइलैंड है, एक साउथ कैलिफोर्निया वाला पार्ट है आपको दिखा होगा, जहां पर आपका सोनारिन डेजर्ट आपके कैलिफोर्नियन कोस्ट के इधर वाले पार्ट के उसके सदर्न टिप पे, वहां पर आपकी जो कॉटन है वो ग्रो सबसे बेस्ट होती है, जॉर्जिया वाले कोस्ट पर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, ओके, क्लियर है ये वाला पॉइंट। अब हम बात करते हैं टबैको की, किसके बारे में? टबैको की। अब देखिए टबैको के बारे में बात कर लेते हैं। जो टबैको होता है गाइस, टबैको बेसिकली गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट से सिचुएटेड होता है, और नेटिव क्रॉप किसकी? अमेरिका की। मतलब सबसे पहले किसने लगाना स्टार्ट किया था, ग्रो करना स्टार्ट किया था? आपका अमेरिका ने। और कहां पे सबसे ज्यादा होता है? गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट से एसोसिएटेड होता है, ठीक है, ओके। तो इसे क्या बोलते हैं? आपका वर्जीनिया टबैको, इसे क्या बोला जाता है? यूनिवर्सली वर्जीनिया टबैको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यूएसए में सबसे पहले, ऊपर से गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट में। अब बात करते हैं इसे किस टाइप का क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। इसे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मिलेगा क्योंकि गल्फ टाइप है, वहां पे रेनफॉल अच्छी होती है, ठीक है, वार्म एरिया मिलेगा और वेल ड्रेन्ड सॉइल अवेलेबल होनी चाहिए। कहां पर? गल्फ स्टेट में। तो इसी रीजन में जो टबैको है वो सक्सेसफुली कल्टीवेटेड होता है मैनी ईस्टर्न स्टेट्स पे, और ईस्टर्न स्टेट्स कहां पे? गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट में, तो वहां पे आपका टबैको ग्रो करेगा। एग्जांपल वर्जीनिया, जिसके नाम पे इसे टबैको कहा जाता है, मैरीलैंड, जॉर्जिया, नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना, केंटुकी, जो हमने पढ़ा था। व्हाट हैपेंड गाइस? हेलो गाइस, आई एम ऑडिबल? ओके, सो फाइन। कहां कहां पे होता है जो हमारा कॉटन टबैको है? वो वर्जीनिया में होता है, मैरीलैंड में होता है, जॉर्जिया में, नॉर्थ और साउथ कैरोलिना में, किटुंगी जो हमारा वो होता है आपका केंटुकी प्लेटू वहां पे होता है, और जो टेनिस वैली है वहां पे आपका मिल जाएगा। किस टाइप का? जो आपका टबैको है यहाँ पर इस एरिया में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, टबैको इस एरिया में आपका सबसे ज्यादा ग्रो होगा, क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं जो क्रॉप कल्टीवेशन है ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द समथ, वहां पर नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। अब ये पॉइंट आप समझिए, देखिए क्या हुआ। जो आपका क्रॉप कल्टीवेशन है ईस्टर्न मार्जिन ऑफ साउथ हेमिस्फीयर में, वहां पर चाहे आप अफ्रीका की टिप देख लीजिए, चाहे अर्जेंटीना, पेरू, और यहाँ वाले पार्ट में देख लीजिए, आपको क्या मिलेगा? नटाल टाइप, और आपको ऑस्ट्रेलिया में नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? वार्म होता है और मॉइस्ट समर होती है, क्योंकि क्या होगा, देखिए, एक तो गर्मी होगी और मॉइस्चर होगा क्योंकि रेनफॉल होगी, और जो समर होगी ना वो फ्रॉस्ट फ्री होगी, मतलब कोई भी फ्रॉस्ट कवर नहीं होगा। जो विंटर होगी, सॉरी, विंटर कैसी होगी? विंटर होगी आपकी फ्रॉस्ट फ्री विंटर होगी, ठीक है, जो कि आपको क्रॉप को सपोर्ट करेगी। आप एक चीज बताइए, जब फ्रॉस्ट आपकी किसी क्रॉप के ऊपर हो जाएगी तो उसकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी, तो फ्रॉस्ट फ्री विंटर होगी तो जो आपकी ग्रोथ को और क्रॉप को सपोर्ट करेगी, और साथ के साथ एनिमल्स को भी सपोर्ट करेगी। यहाँ पर शुगर केन सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्रॉप होती है किस एरिया में? सदर हेमिस्फीयर के नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट में,
और उसके बाद आपकी कॉटन और टबैको आपकी इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाती है, ठीक है। और याद रखना मेज बहुत ज्यादा होती है, क्यों मेज होती है, क्योंकि मेज आपकी यहाँ पर जो एनिमल्स है, कैटल रियरिंग है, उनके लिए एज अ फॉर्डर यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए एज अ फॉर्डर यूज करते हैं आपका जो क्या है मेज को, ठीक है, मेज यूज एज अ एनिमल फॉर्डर। समझ में आ गया गाइज, सबको क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, स्टार्टिंग में लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ नोटिफिकेशन सब कुछ अवेलेबल करवा देंगे जल्दी। बताइए क्लियर है गाइस, ओके। तो गाइस फिर अभी की क्लास इतना ही, 7:30 पे आज हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की और आपके इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में। सो गाइस दिस इज द कोड कैपिटल AM10, अगर आप इस कोड को यूज करते हो यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। गाइस काफी सारे स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, गुड, और जो स्टूडेंट बच रहे हैं और अगर लेना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली फीस हाइक होगी ये मेरा प्रॉमिस है, तो जितना जल्दी हो सके ले लीजिए, क्योंकि बाद में रिग्रेट करोगे चीजों का कि चाहते थे लेना, फीस हाइक हो गई 15,000, फिर बोलोगे सर अब भी, और ये मेरा प्रॉमिस है जो लेना चाहते हो बाद में लेंगे और उस फीस हाइक पे लेंगे, फिर इश्यूज आएंगे, तो जितना जल्दी हो अपने पेरेंट्स का जो पैसा है बचा लीजिए और अपनी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन, और AM10 कोड यूज करोगे तो मैं एज अ गाइड एज अ मेंटर हर एंड से आपकी हेल्प करूंगा प्रिपरेशन में। अभी भी आज भी आई थिंक 2-3 स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए हैं कोर्ट से, उनकी हेल्प करूंगा मैं किसी भी तरीके का, कोई इशू आता है प्रिपरेशन में, अभी क्लास थी तो चीजें सब कुछ हेल्प हो जाएंगी कैसे करना है, और मेरे कोर्ट से मेरे ही नहीं लेट्स क्रैक UPSC CSE कैटेगरी के सारे फैकल्टीज की क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। ओके गाइज, सो बाय, टेक केयर, थैंक यू।